क्योंकि वो गेट रेडी विद मी वीडियोस में यही होता है. Hey guys, welcome back to my channel. It's Arpita. So, आज मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ गेट रेडी विद मी वीडियो. सो एक्चुअली मुझे अभी रेडी होके जाना है 12 बजे एंड इट्स 11:30 एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए गेट रेडी विद मी वीडियो शूट करूँ एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 5-10 मिनट के अंदर ही वीडियो बना लूँ एंड रेडी हो जाऊँ. और मैंने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ली है जो कि मैंने बर्थडे के टाइम पे परचेज करी थी. आप लोगों ने देखा होगा मेरे बर्थडे हॉल, अगर नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट आउट. और यस, उन्हें मैं आज यूज करूंगी. लेट्स सी कि वो कैसे वर्क करते हैं एंड मैं क्या लुक क्रिएट करूंगी, क्या करूंगी मुझे बिल्कुल नहीं पता. लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं बहुत सिंपल एंड सटल रखूंगी क्योंकि दिन का टाइम है तो मैं ओब्वियसली ड्रामेटिक नहीं करूंगी एंड मैं जनरली ड्रामेटिक लुक क्रिएट करके बाहर नहीं जाती हूँ. लाइक मुझे सूट नहीं करता है. सो यस, मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है मरून कलर का. ये एक फ्रॉक है, लाइक गाउन काइंड ऑफ, एंड इसके साथ थोड़ा सा मैचअप करेंगे. लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट. और मैं पहले स्किन केयर से स्टार्ट करूंगी एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक क्लिनिक का मॉइस्चराइजर. और मेरी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई, तो इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरी मॉइस्चराइजर. और अच्छी तरीके से उसे अप्लाई कर लेने के बाद मैं सीरम अप्लाई करूँगी और ये ब्राइटनिंग सीरम फ्रॉम द फेस शॉप. और इसे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि सिर्फ मॉइस्चराइजर तो मेरे लिए काम नहीं करता है सीरियसली, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत सीरम भी जो है अप्लाई कर लेती हूँ. और स्किन केयर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीरियसली. आप अगर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आपके बेस में नहीं है देन यू गॉन. डायरेक्टली मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर और ये एज रिवाइन कंसीलर है फ्रॉम मेबलिन. और इससे मैं जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स, यू कैन सी यहाँ पे स्पॉट है और यहाँ पे पिगमेंटेशन है, तो मैं वहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर लूँगी और आँखों के नीचे भी. इसे रैंडमली मैं अप्लाई कर रही हूँ. उसके बाद साथ मेरी न्यूट्रोजेना का जो है सनब्लॉक मैं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि वो गेट रेडी विद मी वीडियोस में यही होता है सब्जी वाला. ओके तो यस, मैंने जो है अपनी कंसीलर अप्लाई कर ली है एंड उसके ऊपर ना मैं ये मिक्स करूंगी. ये है न्यूट्रोजेना का अल्ट्रा सीयर सन ब्लॉक, इसमें एसपीएफ 50 है और मैं उसको इसमें मिक्स करके उसके बाद ब्लेंड करूंगी. और दिन का टाइम है तो ऑब्वियसली मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती. और मैं थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई कर लूंगी. और मैं कोई, अगर आप सोच रहे हो कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह क्यों नहीं यूज कर रही हूँ, तो मैं जल्दी में कभी भी ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश यूज नहीं करती हूँ. मैं अपने हाथों में ही सब कुछ ब्लेंड कर लेती हूँ एंड मेरे हाथ एकदम क्लीन है क्योंकि मैं अभी नहा के आई हूँ. अगर आपके हाथ क्लीन नहीं है तो डोंट डू इट. ओके, ओके, तो मैं कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ. दैट्स इट, मैं कंसीलर ही सिर्फ अप्लाई करूंगी. यस, डे टू डे लाइफ में मैं ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती हूँ. सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी पाउडर, लूज पाउडर. और ये भी एक न्यूली परचेस्ड प्रोडक्ट है और मैं इसे लेके अपने फेस को सेट कर लूँगी क्योंकि फेस थोड़ा सा साइनीनेस दे रहा है. तो मैं मैक फिनिश चाहती हूँ और थोड़ा बहुत जो है आईज पे एंड जहाँ पे भी मुझे सेट करना है वहाँ पे कर लूँगी. एंड यू कैन सी मैं इतना लाइक सिंपल मेकअप करती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ. आप ये मत सोचना कि मैं हमेशा ड्रामेटिक लुक क्रिएट करती हूँ तो फिर मैं ड्रामेटिक लुक क्रिएट करके बाहर जाती हूँ. नो, मैं वैसा कभी नहीं करती हूँ. ओके, तो आईब्राउज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का आईब्राउ पेंसिल और ये इन द शेड ब्राउन है एज यू कैन सी. तो दिन में मैं बाहर जा रही हूँ इसलिए मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो रात को अगर करती मैं ब्लैक ही करती क्योंकि मेरी हेयर कलर जो है ब्लैक ही है. और ये बहुत सस्ता आता है लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. ओके,
ओके यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन माई टू आईब्राउज. सो उसके बाद आई विल अप्लाई दिस काजल फ्रॉम नायका और मैं थोड़ा सा थिक करके लगाऊंगी. एज यू गाइज नो मी, मैं काजल थोड़ा पसंद करती हूँ लगाना और मुझे सूट करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा थिक करके काजल लगाऊंगी और मैं ऊपर और नीचे दोनों लैस लाइन पे लगाऊंगी ऐसे. और मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का लैश एक्सटेंशनल मस्कारा. इसे मैं बहुत यूज कर चुकी हूँ, अब टाइम आ गया है कि मैं न्यू परचेज करूँ. और डे टू डे लाइफ में मैं इसे यूज करती हूँ, नहीं तो दूसरा वाला जो मेबलिन का है ना वाटरप्रूफ वाला वो यूज करती हूँ. और मैं भूल गई आईलैश को कर्ल करना, इट्स ओके, जनरली मैं नहीं करती हूँ. And yeah, that's it. Okay, let me tell you one thing, guys. मैं generally जो है बिल्कुल भी highlighter या फिर eye shadow नहीं लगाती हूँ अगर मैं बाहर जाती हूँ तो. So मैं थोड़ा सा blush लगाऊंगी. Yes, blush मुझे बहुत पसंद है. So मैं ये step बिल्कुल भी skip नहीं करती हूँ. ये sugar का pink pinnacle blush है जो कि मेरे ऊपर काफी shoot करता है. इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी और मैं कोई हाइलाइटर वगैरह अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि दिन में वैसे भी बहुत ज़्यादा आप चमकते हो सनलाइट में और अगर हाइलाइटर लगा दो तो फिर आप डिस्को बॉल लगोगे. मतलब हो सकता है बहुत सारी लड़कियों को पसंद है पार्टी वार्टी में, लेकिन जनरली अगर किसी को मीट करना जाना हो तो फिर क्यों आपको इतना हाइलाइटर वगैरह लगाने की, मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है. सो या मैं थोड़ा सा मैंने ब्लश लगा लिए, अब हम लगाएंगे लिपस्टिक. लिपस्टिक लगाने से पहले मैं पहले तो अपने लिप्स को जो है अच्छी तरीके से ऐसे ऐसे करके स्क्रब कर लूंगी. ओके, तो लिपस्टिक के लिए पहले मैं ये लिप लाइनर न्यूली परचेज करी थी, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में. ये है वेट एंड वाइल्ड का इन द शेड चेस्टनट और मैं इसे लेके अच्छी तरीके से पहले लाइन क्रिएट कर लूंगी. उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मेरी लिपस्टिक विच इज फ्रॉम एनवाई बे और ये मेरे ड्रेस कलर के साथ थोड़ा सा मैच करता है, लेकिन मुझे ये शेड काफी पसंद है और इतना पैची नहीं है, ड्राई नहीं है, तो इसलिए मैं ये अप्लाई कर रही हूँ. ये इन द शेड 07 है, सैसी सांबा आई थिंक. यस, एनवाई बे का जो शक्ति के साथ कोलाबोरेशन था ना वही लिपस्टिक है ये. न्यूड लिपस्टिक दिन में मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ. Yes, that's it. Okay, and this is my final look. और मैं कोई भी मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली पता नहीं मेरे फेस पे सूट नहीं करता है, लेकिन आप जो है ये स्टेप बिल्कुल करना क्योंकि हो सकता है आपके फेस पे मेकअप ज़्यादा देर तक ना टिके. तो इट्स बेस्ट कि आप है जो मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करो एंड इट इज़ माई फाइनल लुक. हो सकता है कि मैं वीडियो को थोड़ा बहुत कट करूँ बीच में, लाइक एडिटिंग करूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो डाल दूंगी, लेकिन नहीं हो सकता आई थिंक क्योंकि मैंने नीचे रखी अपने सारे प्रोडक्ट्स और मुझे उठा के जो है लाइक टेबल पे उठा के मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मैं खड़ी होके कर रही हूँ. सो इसलिए हो सकता है मैं थोड़ा सा एडिट करूँ बीच बीच में, लेकिन यस इट इज माय ऑनेस्ट गेट रेडी विथ मी वीडियो बहुत ही मिनिमम मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ और ऐसे ही जब मैं दिन में बाहर जाती हूँ ऐसे ही मेकअप करती हूँ. एंड दिस इज माय फाइनल लुक.
ओके जब मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स अभी यूज़ कर चुकी हूँ तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है बोल सकती हूँ कि जो मैंने मेबलिन का कंसीलर एंड जो पाउडर यूज़ करी है दे आर रियली गुड. और जो लोग मेरे स्किन टोन से बिलोंग करते हैं, मेरे स्किन टाइप से बिलोंग करते हैं, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कंसीलर एंड पाउडर. बहुत ज़्यादा अच्छा मैट फिनिश देता है. यू कैन सी वो जो शाइनीनेस था जब मैंने कंसीलर एंड वो सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करी, वो बिल्कुल भी नहीं है फेस में. एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन दोनों का वर्क. मैंने पहले भी तीन बार यूज़ करी है एंड मेरे फेस पे अच्छा खासा एक दिन टिकते हैं. एकदम सुबह से लेकर लाइक 10 बजे से लेकर 6-7 बजे तक टिकते हैं फेस में. वो चीज़ मुझे अच्छा लगता है. आप लोगों ने देखा ही होगा मैंने कितना कंसीलर अप्लाई करी है एंड कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं करी है. एंड यू कैन सी द कवरेज. और मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन एंड ब्लेमिशेस है. एंड यू कैन सी नाउ. सो आई रियली लव दिस थिंग. और या दैट्स इट. अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों को करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नीचे रेड कलर के बटन को दबा के. आई नो हमेशा मैं बोलती हूँ ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं करते हो. जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन आए. तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट. टिल देन बाय.